लोग बोलते हैं इसमें करना क्या पड़ता है, बिल्कुल करना यही पड़ता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बिकने से ही पैसा आता है, डायलॉग मारने का पैसा नहीं मिलता, यहाँ प्रोडक्ट बिकता है तो ही पैसा आता है। तो लोग सोच रहे हैं तो क्या मैं सेल्समैन बन जाऊंगा, यहाँ कोई सेल्समैन दिख रहा है क्या, इनमें से कोई सेल्समैन होता तो यहाँ पे साड़ी खोल खोल के दिखा रहा होता, देखो बहन जी पीली वाली देखो हरी वाली देखो। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं और ये सेल्स का एक नया तरीका है। एक समय में सेल्स करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में आम भी बेचने हो ना किसी को, 10 किलो आम, आलू भी बेचने हो तो वो आलू का भी पहले स्टॉक करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। आपके पास अगर 10 किलो आलू होंगे तो ही आप किसी से ऑर्डर ले सकते हो और उसको आलू दोगे, यस या नो। आपको अगर कपड़े बेचने, बर्तन बेचने, आपको कोई भी कारोबार करना है, आपको मोटरसाइकिल बेचनी है, कार बेचनी है, पहले स्टॉक करना पड़ेगा, यस या नो। आज एक नया समय आ गया, स्टॉक कर रही है सेफ शॉप, सर्विस दे रही है सेफ शॉप, कमीशन दे रही है सेफ शॉप। आप बिल्कुल बढ़िया एकदम दूल्हे की तरह टाई वाई लगा करके जाओ और लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, बाकी का सारा काम सेफ शॉप आपके लिए करने के लिए तैयार है। और ऑर्डर की बात करोगे, आप कितना भी ऑर्डर ले सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या होता है, मैं दूध दिया था पहले गांव में, मेरी डेयरी थी तो मैं चाहता था इस डेयरी को थोड़ा और बड़ा कर लूं, तो पिताजी ने जो उसमें जितनी उनकी कैपेसिटी थी क्रेडिट कार्ड से लोन वोन लेके आलू वालू बेच के वो खुलवा दी थी। मेरा मन था कि इसको और बढ़ा लूं, तो मैं 2 लाख का लोन मैंने सिंडिकेट बैंक में अप्लाई किया था, उसके लिए 1.5 साल भागा मैं, 1.5 साल 2 लाख का लोन नहीं पास हुआ मेरा। तो आदमी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना भी चाहे तो कैसे करे। ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों की प्रतिभाएं दब जाती है पैसे के अभाव में, लेकिन ये बिजनेस आपको मौका देता है। आप अपने बिजनेस को गली मोहल्ले की बात छोड़ो, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप कर सकते हो। ये मौका सेफ शॉप कंपनी आपको दे रही है।